बच्चों, हम आज आपको अनाधिक विधि पौधे जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, जगत प्लांटी में आपको अभी उसके पहले हमने ब्लाइंड फाइटर, इसके बाद आता है केंडो फाइटर, पौधे दोनों के बीच के समूह हैं, अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो टेरोफाइट से मिलते हैं, कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को दोनों के बीच का समूह कहा जाता है, यानी अनाधिकृत पौधे को टेरोफाइट था आधिक विधि पौधों बीज का समूह माना जाता है। अब बच्चों, हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जो मुख्य लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में, इसके पहले आपने देखा है कि जो ब्रायोफाइट है उसमें मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो कि डीप। बच्चों, इसमें भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो कि टू ईयर अर्थात दो युग डीप प्लांट। और दूसरा प्रमुख लक्षण है बच्चों, पेरिफेरल बहुवर्षीय पौधे होते हैं, अर्थात उनका जीवन चक्र कई वर्षों तक चलता रहता है। आप जानते हैं समय काल के आधार पर पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में बांटा गया है। तो ये बहुवर्षीय पौधे उदी है, कास्टी है, इनका इतना हार्ड होता है तो कास्टी है। जीरोफिटिक नेचर, मरुस्थित स्वभाव, तो मतलब समुद्र के किनारे अवश्य ही मिलते हैं लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो मरुस्थित स्वभाव का होता है, अर्थात कम जल में कम नमूने आसानी से ये मतलब स्वभाव में जैसे ये जो पत्तियों में रंग, पत्तियों में रंग आप जानते हैं रंग रंग होते हैं,
जल की हान करते रहते हैं, पति जो छिद्र होते हैं जिससे जल वास्तव में निकलता रहता है। इसमें रंग धसे हुए होते हैं जिससे जल की हान कम होती है। अब बच्चों आगे देखिए, दूसरा प्रमुख लक्षण है जालों में जालों विशेष तथा कोई भी कंपेरियन सेल का अभाव। अब जानते हैं एजियस पर प्लांट में जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं, जाइलम ट्रकी, जाइलम सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये ऐसे पौधे हैं जिसमें जाइलम में जाइलम सेल्स होते हैं। बच्चों फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट होते हैं एजियस पर प्लांट में, शू टू कंपेरियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये ऐसे पौधे हैं शू ट्यूब है, कंपेरियन सेल नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम बच्चों आपको डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों आगे के लक्षण जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं वो एक लिंग यानी जनन अंग होते हैं मेल कोन और फीमेल कोन। जो बच्चों मेल कोन होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक से बने होते हैं, जो फीमेल कोन होते हैं मेगास्कोपिक से। नर है और मादा है। नर कोन है बच्चों माइक्रोस्कोपिक, और मादा कोन है वो है मेगा स्पोरोफिल्स बने। तो नर कोन माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे कोन इस तरह से, ऐसे कोन की संरचना है और कोन जो बने हुए जैसे हमारे उंगलियां हैं उसी तरह से क्या है माइक्रोस्पोरोफिल है या मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल। अब बच्चों इनको बीज का समूह माना जाता है। ये टेलियोफाइट है जो उस पर दोनों के बीच के हैं। टेलियोफाइट के लक्षण हम आपको बताएँ। टेलियोफाइट में जैसे आपके फाइट होते हैं तो मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है और इसमें भी मुख्य पौधा स्पोरोफाइट ही होता है। और बच्चों जो संवहन ऊतक है जिस तरह से टेलियोफाइट में होता है उसी तरह से जीवभूत अनावृत बीजी पौधों की बात करें बच्चों, अनावृत बीजी पौधों में मरुस्थली स्वभाव होता है और टाइप होती है यानी एक मुख्य मुसला जड़ जिसे कहते हैं, तो एक मुख्य जड़ होती है। ये आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री पौधे होते हैं द्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ आवृत बीजी पौधों में और बीज का निर्माण आवृत बीजियों में होता है और इनमें अनावृत बीजी हैं इनमें बीज का निर्माण। अब बच्चों हम उनके आर्थिक जिम्नोस्पर्मी प्लांट के आर्थिक महत्व इकोनॉमिक उपाय। तो बच्चों अब जिम्नोस्पर्मी प्लांट इस धरती पर बहुत थोड़े से ही पाए जाते हैं। पहले के समय में एंशियंट टाइम में अनावृत बीजी पौधों का ही साम्राज्य था। आज इस तरह से आवृत बीजी पौधे सबसे ज़्यादा हैं, एक समय था अनावृत बीजी पौधे सबसे अधिक थे। इनके हम आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो बच्चों आर्थिक महत्व सबसे पहला है सजावट के लिए बच्चे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे है साइकस है, सूजा है, एबिस है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम अपने घर में खाली जगह में बागवानी में इनको हम सुंदर
के रूप में बहुत सारे जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनका उपयोग किया जाता है, जैसे साइकस है, पाइनस है और बीटा है। साइकस, पाइनस और बीटा जी साइलेंट है। साइकस से साग को साग मिलता है, पाइनस से डबल रोटी ब्रेड तैयार की जाती है, नीटम से ही बिस्कुट तैयार किया जाता है। इस तरह से भोजन के इस्तेमाल किया जाता है। नीटम और पीसिया कागज बनाने के काम, नीटम और पीसिया कागज जो बच्चों क्राफ्ट के पेपर होते हैं, क्राफ्ट के कागज होते हैं, वो नीटम और पीसिया से ही तैयार किए जाते हैं। और बच्चों फर्नीचर के लिए बहुत ही मजबूत फर्नीचर जिसे तैयार किया जाता है, और यह सलाई माचिस की तीली से बनाई जाती है, माचिस की तीली पानस से बनाई जाती है, इसके नाम पानस वाली सियाना और पानस राक्ष बनती है। पानस वाली सियाना फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी कीमती होते हैं, मजबूत होते हैं, इनका उपयोग फर्नीचर के लिए। इसके अलावा बच्चों और भी उपयोग हैं, जैसे इफेड्रा से इफेक्ट्री औसत प्राप्त होती है, खांसी जुकाम बुखार आदि रोग बीमारियों में इसका उपयोग। अब बच्चों हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है उसको दो उपवर्ग में बांटा गया है, साइकाइटोफाइटा ओनिफोरा, साइकाइटोफाइटा और दूसरा है ओनिफोरा। साइकाइटोफाइटा और ओनिफोरा दो इसके उपवर्ग हैं, जिम्नोस्पर्म वर्ग है, इसके तीन आधार हैं, साइकाइडो फिलिकेस, साइकाइडो फिलिकेस बेनिटाइटेस। ये देखिए ध्यान दीजिए, जो साइकाइडो फाइटा है जो क्लास है ये वर्ग है, और इसके बाद जो आर्डर होता है बच्चों उसके स्पेलिंग के अंत में ए एल ई एस जरूर होता है, साइकाइडो फिलिकेस बेनिटाइटेस एंड साइकिडेस, साइकिडेस साइकिल तीन इसके आर्डर है। हम लोग क्या है आर्डर है, आर्डर में आप बताया ए एल ई एस, ये चार लेटर अवश्य ही होते हैं, चार लेटर अवश्य होते हैं, ए एल ई एस साइकाइटोफिलिकेस बेनिटाइटेस साइकिडेस। और इसके अलावा जो जो कोनी की जो फाइटा है इसमें चार आर्डर है, कार्डाटेल्स जुंगोटेल्स, कार्डाटेल्स जिनको एल्स, जिनको एल्स कार्डाटेस, कार्डाटेस जिनको एल्स कोनिफेरस एग्रीटेस, कोनिफेरस और जी साइलेंट है
देखिए साइकाइटोफाइटा में तीन आर्डर है, साइकाइटोफिलीजियस, बेनिकाइटियस, साइकेडेलियस। आर्डर की पहचान हमने बताया कि आज तो ये है यस। और जो ओनिकिलोफाइटा है इसमें चार आर्डर है, ये टाइडो ये ओनिकिलोफाइटा है, काटाडियस वो है कार्डाटेल्स, गिंगोटेल्स, टोनिकेल्स एंड टेल्स। इस तरह से बच्चों साइकाइडोफाइटा में तीन आर्डर हैं और कोनिफिलोफाइटा में चार आर्डर हैं। बच्चों आज के लिए इतना है। हाफ हड्डी का एग्जामिनेशन का कोर्स आपका पूरा हुआ, मन लगा के परीक्षा दीजिए। अब हाफ हड्डी एग्जाम के बाद फिर से आगे कोर्स बढ़ेगा, हो सकता है तब तक आपका स्कूल भी खुल जाए। धन्यवाद।